हमीरपुर नगर परिषद ने वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित बजट के लिए बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी ने की। इस अवसर पर 2,70,81,714 रुपए का बजट सर्वसहमति से स्वीकृत किया गया। नगर परिषद ने बजट पारित करके उपायुक्त हमीरपुर के पास स्वीकृति के लिए भेजा है, ताकि जल्द बजट पर स्वीकृति मिलने पर आगामी कामों पर पैसा खर्च किया जा सके। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद विनोद कुमार ने बताया कि वित्तीय साल के लिए बजट का अनुमोदन किया गया है और इसके लिए आय बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किए जाएं, इस पर भी हाउस में रणनीति बनाई गई है। इसके साथ ही नगर परिषद को इस साल अतिरिक्त आय हो इसके लिए भी रूपरेखा तैयार की गई। साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधान सुलोचना व सभी पार्षद उपस्थित थे, जिसमें आज का जो मुख्य मुद्दे थे, जिसमें एक बजट का था, बस 2018-19-20 के लिए बजट का जो पास किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर आय व्यय पर चर्चा की गई। और इसमें बजट प्रस्ताव होने के उपरांत इसमें हमारे अलग मुद्दे थे। कुछ नगर परिषद ने ऑनलाइन मैप अप्रूवल की थी, जिनकी पुष्टि की गई। और इसके अलावा हमारे आय बढ़ाने के लिए हमारा जो था बैडमिंटन का जो कोर्ट था, यहाँ ऑफिस में हमारे यूज करते हैं, उसके ऊपर चर्चा हुई। इसके अलावा जो तीन हमारे पार्किंग के स्थान हैं, उनको जल्दी से जल्द ओपन ऑक्शन में आवंटित किया जाए, जिसको हम लगभग 10-15 दिन को भीतर ही उसका जो ऑप्शन खुली ऑप्शन करेंगे और आवंटित कर दी जाएगी तुरंत ही। इसके अलावा हमारा एक रैन बसेरा का एक मुद्दा था, जिसमें लास्ट ईयर हमने उसको ऑप्शन किया था और आज सभा ने विचार विमर्श ये निर्णय लिया कि उसको पुनः ऑप्शन किया जाए और जिस आदमी के पास पहले आवंटित था, जिन्हें, उसे खाली करवा के पुनः आवंटित कर दिया जाए खुली बोली के माध्यम से।